गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड, लेसन टू, ग्रीडी ऑलवेज सिंस। ये हमने आपको स्टोरी बताई थी, ग्रीडी लालची होता है, ऑलवेज हमेशा, सिंस मींस लज्जित होना, शर्मिंदा होना। ग्रीडी ऑलवेज सिंस मतलब लालच हमेशा शर्मिंदा होता है, मतलब लालच की हमेशा बुराई होती है, हमेशा लालच गड्ढे में गिरता है। ये कहानी का टॉपिक है, हमारा शीर्षक है, टॉपिक है इसका ग्रीडी ऑलवेज सिंस, लालच की हमेशा बुराई होती है। हमने बताया था ग्रीड मींस लालच होता है और ग्रीडी मींस लालची होता है, और हंगर मींस भूख होती है और हंगरी मींस भूखा होता है। अब आगे कहानी देखो क्या है, इसमें थोड़ा पढ़ाया था हमने, देखो पेज नंबर टेन को ओपन कीजिए। द क्लेवर फॉक्स गॉट एन आइडिया। क्लेवर फॉक्स जो हमारी चालाक लोमड़ी थी, गॉट एन आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया। आइडिया का मतलब होता है विचार। अब विचार कहाँ से आते हैं, विचार माइंड से आते हैं। विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, हमारे आइडियाज थिंकिंग सारे माइंड से कनेक्ट होते हैं। तो क्या हुआ, द क्लेवर फॉक्स जो चालाक लोमड़ी थी, गॉट एन आइडिया, उसके माइंड में विचार आया था। कम विद मी, कम मिस होता है आना, विद मी मेरे साथ, मेरे साथ आओ। आई सेल गेट यू सम फूड, मैं तुम्हें कुछ भोजन प्रदान करूंगी। आई सेल गेट यू, मैं आपको दूंगी, यह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आई सेल गेट यू सम फूड, मैं आपको कुछ भोजन प्रदान करूंगी। सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। सेड द फॉक्स का मतलब है लोमड़ी ने कहा। टू द वुल्फ, इससे कहा, भेड़िया से कहा। यह कहानी है हमारी एक लोमड़ी और भेड़िया के बीच में जो वार्तालाप होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, उसकी ये स्टोरी बनी है। द फॉक्स टुक द वुल्फ, द फॉक्स लोमड़ी टुक द वुल्फ, भेड़िया को ले गई। लोमड़ी भेड़िया को ले गई टू एन ओल्ड हाउस, एक पुराने से घर में ले गई। हमने आपको बताया था पहले, ओल्ड मींस होता है पुराना, और हाउस का मतलब होता है घर। अब ओल्ड क्या है, ओल्ड हमारा एडजेक्टिव होता है, हाउस क्या है, हाउस हमारा नाउन होता है। तो घर की विशेषता क्या है, घर कैसा है, घर हमारा ओल्ड है, ओल्ड का मतलब पुराना है घर। आगे देखो, दे लुक्ड थ्रू द विंडो, उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा। हमने थ्रू का बताया था, थ्रू मींस क्या होता है, किसी चीज किसी वस्तु से झांक कर देखना, से होकर गुजरना, उसको हम कहते हैं थ्रू, THROUGH, थ्रू माने होता है से होकर। थ्रू द विंडो ऑफ द किचन मतलब उसने रसोई की खिड़की से झांक कर देखा। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 11, अब 11 पर आइए, पेज नंबर 11 ओपन कीजिए। इन द किचन, रसोई में, अब रसोई में मतलब जब झांक के देखा तो रसोई के अंदर, इनका मतलब होता है किसी चीज के अंदर होना। इन द किचन, रसोई में, ए वुमन वाज पुटिंग, उन्होंने क्या देखा, ए वुमन, वुमन होती है औरत, ए वुमन वाज पुटिंग केक्स, क्या कर रही थी, केक्स बना रही थी, पुटिंग में केक को रख रही थी। ए वुमन, एक स्त्री, वाज पुटिंग, पुटिंग का मतलब है रखना, रख रही थी केक्स, केक्स को रख रही थी ऑन द सेल्फ, अलवारी में या मेज पर, जैसे उसका बना हो सेल, वहां पर वह रख रही थी। आफ्टर कीपिंग द केक्स, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर कीपिंग द केक्स,
मतलब केक्स रखने के बाद, केक्स रखने के बाद सी बेंट आउट ऑफ द किचन, सी बेंट वह चली गई। हमने बताया था जो हमारी क्रिया होती है गो, वेंट और गॉन, इस बात को ध्यान देना, गो वेंट गॉन। गो हमारी फर्स्ट फॉर्म, गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड गॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की तीन अवस्थाएं बता दी, गो मिस होता है जाना, वेंट मिस गया, गॉन मिस जा चुका, गया हुआ। गॉन का मतलब होता है गया हुआ या जा चुका। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है आफ्टर कीपिंग द केक्स, कीपिंग का मतलब होता है रखते हुए, कीपिंग का मतलब रखते हुए, द केक्स, केक्स को रखते हुए सी वेंट आउट, वेंट का मतलब होता है चली गई, आउट का मतलब होता है बाहर, वे बाहर चली गई। वेंट आउट ऑफ द किचन, वे रसोई से बाहर चली गई थी। एंड शट द डोर, और दरवाजे को बंद कर दिया, शट का मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना, वो कहलाता है शट। आगे नेक्स्ट टर्म पर होगा।